सत श्री अकाल जी, मैं अमनप्रीत सिंह, वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। जदों का किसान अंदोलन शुरू होया उदों की एक नवी पिरत जिहड़ी आ पैदा हुई है कि हुण पिंडां दे विच जदों भी कोई विधायक जांदा उसका विरोध किया जाता अते सलीके दे नाल उस तों विकास कार्यां बारे, खेती कानूनों बारे, खेती बारे अते होर कई मसलियां बारे जिहड़े आ लोकां वल्लों सवाल किए जाते हैं अते जवाब भी मंगिया जाता है। कई जिहड़े विधायक अते मंत्री आ उह इन्हां सवालों का जवाब दिंदे आ, कई नहीं दिंदे अते कई भज्जण विच ही अपनी भलाई समझदे आ। ताज़ा मामला जिला गुरदासपुर तो सामने आया है जिथे अकाली दल दे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया एक कांग्रसी आगू नूं अकाली दल विच शामिल करन गए सी, पर उत्थे किसानां ने उन्हां दा विरोध कीता अते कालियां झंडियां दिखाईयां। इस तों बाद उह रुके, किसानां दे नाल मुखातिब होए अते किसानां दे नाल सवाल जवाब भी कीते। आओ सुनदे हां किसानां दे की सवाल सी, बिक्रमजीत मजीठिया ने की जवाब दिते। कुछ सवाल बिक्रमजीत मजीठिया ने भी कीते अते किसानां ने भी उन्हां दा जवाब दिता। आओ सुनदे हां की गलबात हुई किसानां अते बिक्रमजीत मजीठिया दे विच। सवाल करने सी, मैं जी सद के आपां बड़े खुल के गल कर। देखो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, गल आपां ना किसानी दी है, इस मुद्दे च असीं किसानां दे नाल खलोते हां और थोनू इस गल च ना लड़ाई दिल्ली नाल है, आपां आपस च इत्थे इस तरह उलझी जावांगे ना, इह ते कुछ ना कुछ फिर गल आ रही है कि पॉलिटिक्स। मेरी बेनती सुनियो ना, बेनती सुनियो, मौजूदा सरकार आपके चोन मैनीफेस्टो च वादे किए सी कि जिन्हें किसान खुदकुशी करने वाले परिवारों नूं 10 लाख देवांगे, दिते कोई नहीं पुछदा। नहीं, एक बेनती सुन लैणी, दूजे उन्होंने कहा सी असीं इक नौकरी देवांगे, अज तक कोई पुछदा जी? आपां जद आपां ना इस मुद्दियां ते पै जांगे, मैं कहना तुहाडा हक है, तुसीं जिहड़ी मर्जी पुछ सकदे। अज लड़ाई सिर्फ ते सिर्फ काले कानूनां दी है, जिहड़ा वड्डा मुद्दा, असीं उस काले कानूनां दे खिलाफ उस लड़ाई 'च तुहाडे नाल हां और अस्तीफा दे के अपना ठोक के स्पष्ट कीता रोल। अमरीका सोनिया गांधी, राहुल गांधी वांगू अमरीका नहीं चले गए और अज ट्रैक्टर चलाउंदे फिरदे आ। इसलिए कृपा करके आपां आपस 'च ना इस तरह ना करिए। देखो वोटां आउणियां, वोट तो थोड़ा अधिकार है, साढ़े च नहीं, चलो साढ़े च कोई कमी पेशी हो, कोई त्रुटि हो, तुसी भी बख्शनहार हो, परमात्मा भी बख्शनहार। मैं तो इन्नी बेनती करदा ना, आपां गल नूं निबेड़िए, मैं तां जोवें बहुत धन्नवाद जा के भी सिर्फ कर अंदर कर चल कर दे कर मैं कोई सवाल कर कर कोई तां ना तां साडा कोई ए विरोध है कि असीं तुहानूं रिजिस्ट करना है, समय नहीं मिलते तुहाडे तक पहुंचण, ये विचार ने बैठ के करने वाली। सुनो मेरे दूजी, किसान संयुक्त मोर्चे ने फैसला दिता कि पहले बीजेपी का विरोध किया जाए तो बाकी सारे खुली छुट्टी दी जाए। उत्थे राजेवाल साहब जिहड़े ने बैठ के कैप्टन का मूँह मिठा करा के कैप्टन की हमायत से खड़े ने। मैं गल स्पष्ट कर दूँ, 360 रुपये रेट जिहड़ा एक विखावा है, एक मुद्दा है। 325 रुपये रेट पहला सी, 5 रुपये केंद्र ने देता, 30 रुपये रेट पहला आ चुका सी। जिहड़ा उत्थे बेसन खवाया गया वो उत्थों का सैक्रेटरीएट का बेसन ही सी, जिहड़ा मौके ते ही उन्होंने प्लान करके गल गई सी। मैं हुण जे दसदा किहदे घर च मुक्की सी, तुहानूं भी पता एक इंडस्ट्रियलिस्ट दे घर च मुक्की और ये ड्रामा रचया गया सारिआं दे सामने। चलो मैं नहीं उस गल च जाणा, असीं इह गल्लां समझदे आ। साडा इह किसानी दे हक च बयान दिता, उहनूं पार्टी चों कढता, जिन्हों पार्टी से कढ़ता उन्हें किसी पार्टी से जाना सी, ते जे किसानी के हक च बोलिया तो वह साढ़े नाल आ गया तो वह गलत हो गया जी। हूँ तो पार्टी कहती, एक मेरी बेनती सुनो, नहीं बेनती सुनो, एक मेरी बेनती सुनो, जिन्हों किसी पार्टी चो ही कढ़ता और क्यों कढ़िया, अखबार च खबर छपी क्योंकि उन्हें किसानी मुद्दों के हक च बोलिया। और तीजी गल, दिल्ली सारे केस मनजिंदर सिंह सरसा जी, श्रोमणी अकाली दल ने सारे केस लड़े, एक एक की बेल जाके मनजिंदर सो आप करवाउंदा रहा। तां सरनक सरने की मदद कौन करता सी? कांग्रेस एडवाइजर है कैप्टन साहब का, पंजाब पुलिस गई उहदी मदद लई उत्थे, आपने उहदी मदद की, भाजपा ने जागो पार्टी की कीती। वो सारी चीज़ा क्यों सिरसे नूं रहाउण लई होए, उत्थे क्यों नहीं जागो पार्टी का कोई कैंडीडेट चज्जदा, कौन गया प्रचार लई उहदे लई? सारिआं ने रल के मनजिंदर नूं सिर्फ इसलिए हराया कि उन्हें किसानी संघर्ष के जेड़े अंदर दिते सी उन्हां दी जमानत कराइया, जाके उत्थे लंगर सेवा जो ड्यूटी बनती सी, ड्यूटी बनती सी वो ड्यूटी निभाई, अज उन्होंने जाके इसलिए सारे कट्ठे होकर रोन लग पे। मेरा कहने का भाव है भैन जी, असी भी भुलनहार हाँ, साढ़े तो कोई एक अद्धी गलती होई होनी, असी उन्होंने सुधारदियां होया ही,
असी आपका 30 साल का रिश्ता तोड़ता, मगर असी ठोक के दोगली गल नहीं कर रहे, उसके बाद ठोक के एक तरफा ही खलोते हैं। और एदा भी गल कड्यो जिहड़ा बिल इत्थे पास होए विधानसभा च, जिस दिन विधानसभा आए मैं कला बंदा सी, रिकॉर्ड की गल है, मैं रिकॉर्ड पेश करूँ, जिन्हें उठ के कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ये गल कही कांग्रेस नूं कि 117 च थोड़ा बहुमत है, तुसी जो मर्जी पास करा सकते हो, मगर असी जो मर्जी पास नहीं कराउण आए, असी शोध कराउण वास्ते नहीं आए, असी इसलिए कट्ठे होए हैं कि काले कानून रद्द होने चाहिए। मगर मैं इन्हां नूं कहा अज का दिन पा लो, सारी किसान यूनियन नूं सारे किसानों नूं दिखा लो, जे वह सहमत है तो सवेरे आप पास कर देंगे। बेविश्वासी की दो बंदी उल्ट सी 115 का कट्ठे है, नहीं जल्दबाजी की उन्होंने करता, तो अज की होया जी, मैनू पहला ही पता सी कि गवर्नर ने तो करना ही कुछ नहीं, गवर्नर शोध कर ही नहीं सकता, जिहड़ी चीज़ ते राष्ट्रपति ने ढुग्गी मारती वो ये किवें कर दू, राष्ट्रपति कोल कौन टाइम लैके गया कि ना साइन करो। फिर श्रोमणी अकाली दल तो दूजे एम पी गए ऐतकी भी, जो दिल्ली 30 दिन पार्लीमेंट चलिया भैन जी तक कल्ले सी, कल्ले रौला पाई गए उत्थे बाहर बैठे बसपा वालियां नाल, होर भी कुछ आ जांदे सी, जिन्ने शहीद होए उन्हां लई कहा कि जे पी सी बनाओ, जॉइंट पार्लीमेंट्री कमेटी दे मैंबरशिप बनाओ, जाओ उत्थे, जिस दिन वो सारे वो तारा लाइया सी बॉर्डर ते, वो पत्थर लाए सी, सारे पार्टियां दी एमपीआं नूं इकट्ठे करके भैन जी उत्थे गए। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ TV।